हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक जो क्रॉप है, जो कि एक माइनर क्रॉप है बट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आज का जो क्रॉप का नाम है वो है सपोटा। सपोटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चीकू भी बोलते हैं। सपोटा का जो बॉटनिकल नेम होता है दैट इज़ द मैनिलकारा सपोटा और एचरस सपोटा भी बोलते हैं। इसकी फैमिली सपोटेसी होती है, एट 2 इज इक्वल टू 26 होता है। तो सबसे पहली बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई क्रॉप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका बॉटनिकल नेम, क्रोमोजोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन प्लेस हमेशा याद रखिए। मैं आपको सपोटा का ओरिजिन प्लेस ही बता देती हूँ। सपोटा का जो ओरिजिन प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका, और ये माना गया है कि जो ओरिजिनेटेड हुआ है ये साउथ मैक्सिको में हुआ है। तो कहाँ पे है, इसका नेटिव टोटल है ट्रॉपिकल अमेरिका साउथ मैक्सिको। क्या रखिएगा आप, यार, ट्रॉपिकल अमेरिका साउथ मैक्सिको। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने पीजेस लिखा, इसका मतलब है कि पपाया का भी, गुआवा का भी, सपोटा का, तीनों का जो ओरिजिन है वो सेम ही है। तो आपको अगर आप सपोटा का याद रखेंगे तो आपको पपाया और गुआवा का याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़, तो इंडिया में सबसे पहला जो सपोटा का कल्टीवेशन हुआ था वॉज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1898 में एक विलेज था जिसका नाम था गोलकवाड, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सपोटा का कल्टीवेशन। और इंडिया में एज अ माइनर क्रॉप के रूप में हम लोग लेते हैं सपोटा को। ये हमारा हेक्टेयर एरिया है और ये हमारा प्रोडक्शन है कर्नाटका का, ये इतना एरिया होता है, ठीक है, 6000 हेक्टेयर। और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया जो होता है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। याद रखिएगा, इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सपोटा का। एंड अनदर वन है कि इंडिया में क्या होता है कि कमर्शियली रूप से कहाँ कहाँ पर ग्रोन किया जाता है। इंडिया में कमर्शियली रूप में कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, कमर्शियली इंडिया में कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जा रहा है। देन कुछ इम्पॉर्टेंस है और यूजेस हैं वो बता देती हूँ मैं, कि सपोटा का जो है यूज़ होता है वो बहुत सारे मेडिसिनल रूप में भी होता है। इसके अलावा हम अदर यूज़ भी करते हैं। सपोटा में क्या होता है कि एक लेटेक्स मिलता है। जब हम लोग कभी भी, आप सपोटा के ट्री के पास जाइए तो उसके फ्रूट को जब आप तोड़ेंगे तो वहाँ, मतलब जहाँ से फ्रूट कट होता है वहाँ पर वाइट कलर का लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स रहता है, ठीक है। दैट इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम टाइप का वो वर्क करता है। तो ये जो रहता है इमेच्योर फ्रूट जो रहते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द चेविंग गम्स के रूप में, एंड सपोटा को हम एज अ डिलीशियस डेजर्ट फ्रूट के रूप में लेते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इंडोनेशिया में यंग लीफ को एज अ सलाद और वेजिटेबल के पर्पज से लेते हैं। तो याद रखिएगा, कौन से देश में लेते हैं, इंडोनेशिया में। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इसमें और कुछ बताने की मतलब बातें थी। अब हम क्लाइमेट की ओर जाते हैं। क्लाइमेट जो होता है, ये सबसे पहली बात, सपोटा क्या है, एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो कभी एग्जाम में आया सपोटा कैसा फ्रूट है, तो सपोटा जो होता है ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। एंड इट कैन बी ग्रोन अप टू द 12,000 जो भी मीटर तक ग्रो हो सकता है, 1200 मीटर तक। इससे ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन में मतलब रिडक्शन होने लगेगा। एनुअल रेनफॉल इसको 125 से 250 सेंटीमीटर जो रहती है बेस्ट रहती है इसके लिए। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा फ्रंट के लिए। जो आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अप हाई ये तो नहीं पूछेगा, ऑप्टिमम आप याद रखिए क्या रेंज रहता है इसका। एंड इसके अलावा याद रखना कि जो कैल्केरियस सॉयल रहती है जिसका पीएच 6 से 8 रहता है वो गुड रहता है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, सपोटा की। तो जो मतलब ऐसी सॉइल जिसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में है, दैट इज़ कैल्केरियस सॉइल, तो उसका पीएच 6 से 8 के बीच रहता है, दैट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सपोटा। नाउ अनदर हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर वेराइटीज़, ठीक है, दैट इज़ कल्टीवर। कल्टीवर में काली पत्ती बहुत एग्जाम में पूछती है, काली पत्ती किसकी वेराइटी है, काली पत्ती, भूरी पत्ती, दे आर द वेराइटीज़ ऑफ सपोटा। काली पत्ती जो रहती है इट इज़ कमर्शली ग्रोन होती है महाराष्ट्र में। ये सब आपको जानना नहीं, बस वेराइटी का नाम याद रखिए, कुछ स्पेशल करेक्टर होंगे तो आपको बता दूंगी। इसके अलावा छतरी, ठीक है, छतरी वेराइटी है। देन ढोला, दीवानी वेराइटी है, लॉन्ग वेराइटी है, भूरी पत्ती वेराइटी है। जो इम्पॉर्टेंट है, वेराइटी तो बहुत सारी बट ये मैंने इम्पॉर्टेंट वेराइटी बता रही हूँ मैं आपको, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। देन भूरी पत्ती के बाद जिंगर, एंड इसके अलावा वंजीत वेराइटी होती है, एक पाला वेराइटी होती है, कीर्ति भारती याद रखिएगा, ये पॉपुलर है आंध्र प्रदेश में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा विच वेराइटी इज़ वेरी पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश, तो वो याद रखिएगा कीर्ति भारती।
एंड इसके अलावा द्वारापुरी एंड क्रिकेट बॉल। तो काली पत्ती, क्रिकेट बॉल, ओवल जो जो मैं नाम ले रही हूँ, कलकत्ता राउंड एंड इसके अलावा कीर्ति भारती, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बारामासी है एंड जो इम्पॉर्टेंट और है वो है हमारा एक वेविल वासा जो है, सॉरी ये वाला जस्ट जो ओवल ओवल के जस्ट नीचे जो है वैनी वलासा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट थे मैं आपको वो बता दिए, मतलब मैं आपको वो बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड्स हैं जो कि डेवलप हुए हैं। कोवन जो है ये क्रिकेट बॉल एंड ओवल से डेवलप हुआ है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि जो कोवन है ये सी से कोवन, सी से क्रिकेट बॉल और ओ से ओवल, क्रिकेट बॉल ओवल। कोटू जो रहता है ये क्लोनल सेलेक्शन होता है फ्रॉम द बारामासी से। कोथ्री दिस वन इज द क्रिकेट बॉल एंड वेनी वलासा से। पीकेएम वन गुथी से सिलेक्शन है। पीकेएम टू जो रहता है ये क्रॉस है गुथी इनटू कीर्ति भारती का, एंड दिस वन आप आगे और देख सकते हैं ऐसा ही जो जो है। सो ऑन दैट्स डिफरेंट डिफरेंट क्रॉसेज हैं, तो जो आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जैसे क्रॉस हुए हैं आपको उसके पेरेंट्स के नेम याद रखने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे का जो इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं उसको जस्ट कल के वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।